दोस्तों, आज हमारा जीवन टेक्नोलॉजी और विज्ञान की वजह से काफ़ी सरल और फास्ट हो चुका है। आज के समय में हमारे गांव में भी वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो एक शहर में होती हैं। पर दोस्तों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज से सैकड़ों साल पहले हमारे गांव का रहन सहन कैसा रहा होगा, लोग कैसे अपना जीवन जीते होंगे और आने जाने के साधन क्या रहे होंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब रोचक जानकारियों के लिए ले चलते हैं आपको आज से ठीक 500 साल पहले के ग्रामीण भारत में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक अभी से कर दें। दोस्तों, जहां आज लोग शहरों की ओर भागते हैं, वहीं 500 साल पहले भारत की अधिकांश जनता गाँव में निवास करती थी। एक अनुमान के अनुसार गांव में लगभग 90% जनसंख्या निवास करती थी, जबकि शहरों में केवल 10% या इससे भी कम जनसंख्या रहना पसंद करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां आज के समय में सरकार को पानी को बचाए रखने के लिए योजनाएं चलानी पड़ रही हैं, वहीं 500 साल पहले के लोग इतने समझदार थे कि वह पानी के संरक्षण के महत्व को बहुत अच्छे से जानते थे। उस वक्त पानी को संरक्षित करने के लिए गांव में तालाब हुआ करते थे और जहां तालाबों की कमी होती थी वहां उन्हें खुदवाकर तैयार किया जाता था। तब के समय में शायद इसलिए भी लोग जागरूक थे क्योंकि तब सिंचाई और पीने के साधन बहुत सीमित थे। यहां तक कि लोग नदी कुओं के अलावा तालाबों से भी पानी पिया करते थे और तालाबों में स्नान करना और कपड़े धोना भी आम बात थी। तब गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन हुआ करता था। लोग सारा दिन खेतों में काम करते थे और रात को चैन की नींद सोते थे। उस समय भारत के अधिकांश लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे। वह पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में काफ़ी विश्वास रखते थे, इसलिए तब गांव-गांव में मंदिर होते थे और हर गांव में एक कुल देवता का मंदिर भी हुआ करता था। अगर आपने गौर किया हो तो आपको ज़रूर मालूम होगा, पहले के घर आज के घरों के मुकाबले काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। बेशक तब मिट्टी से घरों का निर्माण किया जाता था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त के घर काफ़ी मजबूत होते थे। आज भी आपको कई जगह उन पुराने घरों या हवेलियों के नमूने देखने को मिल जाएंगे। मिट्टी के बने इन घरों की एक खासियत भी होती थी कि उन घरों में गर्मी में भी ठंडक महसूस होती थी, जबकि वर्तमान में कंक्रीट और सीमेंट के बने मकान गर्मियों के दिनों में इतने तप जाते हैं कि उसमें बिना पंखे, कूलर या एसी के गुजारा नहीं होता। आपको बता दें कि सीमेंट से निर्मित घरों की आयु लगभग 60 से 80 वर्ष होती है और कुछ सालों बाद इन मकानों में दरारें आने लगती हैं, जबकि पुराने समय में चूने और मिट्टी से तैयार मकानों की उम्र तकरीबन 200 से 300 साल हुआ करती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस समय में लोगों के बीच झगड़े या विवाद नहीं हुआ करते थे, मगर तब उनका फैसला कोर्ट नहीं बल्कि राजा सुनते थे। राज के बड़े फैसलों के लिए राजा ही उत्तरदायी होते थे। छोटी छोटी समस्याओं का हल निकालने के लिए पंचों की मदद ली जाती थी। गांव के लड़ाई झगड़ों या किसी छोटी समस्या आदि का निपटारा पंचायत सरपंच किया करते थे। बेशक उस वक्त के लोगों के पास काफ़ी सीमित साधन थे, लेकिन वह एक खुशहाल और चैन की नींद सोते थे। जबकि आज का इंसान इतना तरक्की करने के बावजूद कई समस्याओं और बीमारियों से पीड़ित है। तो दोस्तों, लगभग 500 साल पहले कुछ ऐसा था हमारा ग्रामीण भारत। दोस्तों, क्या आप पुराने भारत के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और व फैमिली में शेयर ज़रूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।